छिंदवाड़ा में बिजली विभाग के कई कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कई कर्मचारियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या मांग बिजली विभाग के कर्मचारियों की है, आप खुद देखिए। छिंदवाड़ा का बिजली विभाग भी इन दिनों कोरोना की चपेट में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक महीने में बिजली विभाग के 300 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और विभाग के 8 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। मौजूदा हालात को देखते हुए कर्मचारियों में डर का माहौल है। कर्मचारियों के संक्रमित होने की सबसे बड़ी वजह घर घर जाकर राजस्व वसूली करना माना जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक घर घर जाकर राजस्व वसूली के काम पर रोक लगाई जाए और केवल विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश ही कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाए। बड़े खेद के विषय है कि बहुत सारे हमारे कर्मचारी अधिकारी हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी इस दौरान मृत्यु भी हुई है। यूनाइटेड फोरम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से मांग की है कि सभी विद्युत कर्मचारी अधिकारियों को कैशलेस बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री COVID-19 योजना के अंतर्गत लाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जावे और इसका लाभ हमारे विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाए। छिंदवाड़ा में कोरोना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक कोरोना से 78 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला भी प्रशासन ने ले लिया है, लेकिन हालात काबू नहीं हो रहे हैं। अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो गया है कि जरूरी सेवाओं में शामिल बिजली विभाग के लिए भी अलग से गाइडलाइन बनाई जाए ताकि बिजली विभाग के कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित होने से तो बचाया ही जा सके, भविष्य में होने वाली बड़ी परेशानी से भी वक्त रहते निपटा जा सके। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।